नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोमेरिज्म में नंबर से। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मोस्टली सेम होता है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस आ रहा होता है, या फिर स्ट्रक्चरल भी सेम हो लेकिन जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की अराउंड द सेंट्रल एटम्स वो चेंज हो रही हो, तो उसकी वजह से अपने आइसोमेरिज्म आ रहा होता है। तो पहले हम सबसे पहले टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करें। टॉटोमेरिज्म क्या है? जो ये क्या है? रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सेम मॉलिक्यूल। कोई और भी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई और एटम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है, ये जो ऑब्जर्व किया गया, वो हाइड्रोजन है, इसलिए हम टॉटोमेरिज्म को हाइड्रोजन से रिलेट कर देते हैं। कोई भी एटम हो सकता है, तो मॉलिक्यूल सेम होगा, यानी कि जो दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट किस वजह से होगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने से, बाकी सब चीजें सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑटोमेटिकली सेम होता है आइसोमेरिज्म। तो हम जब देखें ये लिखी हुई है एट फिजियोलॉजिकल पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.4 पीएच होती है, ये ब्लड की पीएच दी गई है। फिजियोलॉजिकल पीएच ये तकरीबन न्यूट्रल पीएच के करीब है। तो यहाँ पे जो है हमने कार्बोक्सिल ग्रुप कहा था, वो क्या होता है? एसिडिक। और जो अमाइनो ग्रुप होता है NH2, वो होता है हमारे पास बेसिक। तो ये आपस में क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है जब पीएच से न्यूट्रल मिलेगी, एक्वस सॉल्यूशन होगा आम सिचुएशन में, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये प्रोटॉन जो है, इसे डोनेट कर देगा, और यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या हुआ, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला किस वजह से चेंज हुआ है? एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट या रीलोकेशन, रीलोकेशन दोबारा लोकेट हुआ है एक नई जगह पर, तो इसलिए ये टॉटोमर्स कहलाएंगे। और एक जो नाम स्पेशल दिया जाता है ज्यूटर आयन, इस आयनिक फॉर्म में या डाई आयनिक फॉर्म में, या दो जब चार तो इस पे होते हैं जो अमाइनो एसिड पे, तो उसे हम ज्यूटर आयन कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे याद रहे ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल जो हमारे पास है चार्ज वो जीरो, लेकिन दोनों चार्ज आपस को कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये पोजीशन या जो होती है ना मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट्स की सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द उसके चेंज होने से होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये वजह क्या, इसकी क्या होती है, या कब ये बनता है? जब हमारे पास वो हो एक खास चीज या एक खासियत रखता हो कि वो चार डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स या एटम्स से ज्वाइन किया हो, और उस इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ए साइमेट्रिक। मतलब सेंट्रल एटम जो हमारे पास है उसे चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ ज्वाइन किया हो, चार डिफरेंट हो। उसके सेंट्रल एटम में हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंस से चार है, तो ऑटोमेटिकली इसके चार अलग अलग बॉन्ड बनने चाहिए और अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स से मिलने चाहिए, तो ये एसिमेट्रिक होगी कार्बन। और ये अमाइनो एसिड में भी शो हो जाती है, जैसा कि ये अल्फा कार्बन, ये सेंट्रल एटम, ये एक जो है क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है एक एटम, ये दूसरा सी सिर्फ नहीं लेंगे हम, पूरा लेंगे C(OH), ये दूसरा ग्रुप, ये NH2 पूरा, ये तीसरा ग्रुप, और ये R कोई भी यहाँ पे हो सकता है, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, तो ये R ग्रुप कोई भी हो सकता है पूरा, तो ये हमारे पास तो कार्बन है, ये है साइमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, तमाम अमाइनो एसिड ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन एक नहीं करता, कौन सा? ग्लाइसिन, ये इसका फार्मूला बना। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो चार मुख्तलिफ नहीं बल्कि तीन तरह के ग्रुप से या एटम से मिला हुआ है, ये एक हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिपीट हो रही है। इसका मतलब है इसमें जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन है अल्फा कार्बन है वो एसाइमेट्रिक नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
नतीजे में दो किस्म के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अमाइनो एसिड्स को, एल और डी अमाइनो एसिड, ये उनके स्ट्रक्चर बना हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये NH2 की पोजीशन अगर राइट साइड पे है तो ये डी अमाइनो एसिड है, अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये एल अमाइनो एसिड। हाँ ये तो एक जुगाड़ ही है हम कह सकते हैं, और ये एक और भी कॉर्न का, इसके जरिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड। डी अमाइनो एसिड जो है हम कॉर्न, कॉर्न के लिए सी डबल ओ एच को हम सी ओ लेंगे, ग्रुप को हम आर से डिनोट करेंगे और एन ग्रुप को हम एन एच टू से डिनोट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आएगा, तो यू लेफ्ट साइड पे गए आर पे और आर से गए एन पे, तो ये बना लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ कॉर्न बना, तो ये क्या है डी अमाइनो एसिड। अब हम दूसरे अमाइनो एसिड में देखते हैं, तो हमने सी ओ के बाद आर लाना है तो वो इस साइड पे है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सी ओ आर एन, मतलब जो हमारा कॉर्न लफज बन रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम एल अमाइनो एसिड कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक निहायत ही अहम इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जो लिविंग वर्ल्ड है जिसे हम एल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनमें जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको बनाने वाले अमाइनो एसिड जो हैं वो इस फॉर्म में होते हैं एल अमाइनो एसिड। और एक और चीज़ हम अगर याद करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो थे ग्लूकोज हमारे पास था जो थी, वो मोस्ट अबंडेंट कौन सी फॉर्म में थी, डी फॉर्म। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशन है कि जो ग्लूकोज है या जो शुगर्स हैं वो डी फॉर्म में लिविंग वर्ल्ड में अबंडेंट है, जबकि अमाइनो एसिड जो है वो लिविंग वर्ल्ड में एल फॉर्म में अबंडेंट है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, और आप इसके रिलेटेड तमाम मटेरियल लिंक्स जो दिए गए हैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वहाँ से हासिल कर सकते हैं।